नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष तनावड़े ने लिखित आश्वासन देने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों ने अमरण अनशन वापस लिया। एंटी नारकोटिक सेल ने मल्ला पिरलन में गांजे के साथ एक को किया गिरफ्तार। गोवा वेरला कांका में एक मंदिर के तालाब में दो बच्चे डूब गए। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि सरकार मादई नदी पर समझौता नहीं करेगी। आरोशी कंसौलीम ग्रामीणों ने कल दक्षिण गोवा कलेक्टर की निंदा की। राष्ट्रीय टीम के पूर्व अंडर 19 स्ट्राइकर उत्तम राय टेम्पो में शामिल हो गए। गोवा वेलसाव पाले के ग्रामीणों ने कल वेलसाव रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे डबल ट्रैक बिछाने का काम रोक दिया। अयोध्या में दिव्यांग लोगों के लिए आश्रम बनाएगा नारायण सेवा संस्थान। रिपब्लिक टीवी ने टाइम्स नाउ के एंकर पर किया मानहानि का मुकदमा। बिहार में मिनी बंदूक कारखाने का बंडाफोड़, 7 गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 28 फरवरी तक निलंबित रहेगी। एनजीओ प्लास्टिक के बाद गांगुली की हालत स्थिर। किसान आंदोलन के बीच आज से बजट सत्र की शुरुआत। सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे 30 जनवरी से रालेगंज सिद्धि में करेंगे अमरण अनशन।